सब्सक्राइब कीजिए फ्री हिंदी एडवाइस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। हम में से ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि नाभि हमारे शरीर का एक साधारण हिस्सा है, लेकिन आप गहराई से देखेंगे तो यह हमारे शरीर का अति महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह गर्भनाल के द्वारा जन्म से पूर्व हमारी माता से जुड़ा होता है। वैसे तो तेल का प्रयोग सामान्यतः त्वचा पर किसी भी स्थान पर किया जा सकता है, लेकिन नाभि पर तेल लगाने के लाभों और उपयोगिता को जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं नाभि पर तेल लगाने के लाभों के बारे में। एक, नाभि में तेल लगाकर त्वचा को करें मॉइस्चराइज। सामान्य तौर पर हमारे शरीर के उपेक्षित कर दिए गए क्षेत्रों जैसे नाभि और पेट पर तेल लगाना बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि त्वचा के लिए तेल प्राकृतिक रूप से एक बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर का काम करता है। विशेष रूप में सर्दियों में जब हवा बहुत सर्द और सूखी हुई होती है, तब नाभि पर तेल लगाना बहुत ही उपयोगी और स्वास्थ्यप्रद होता है। दो, मासिक धर्म के दर्द में उपयोगी है। अगर आप मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान होने वाले असामान्य दर्द से परेशान है, तो इस समस्या में प्राकृतिक रूप से आराम प्राप्त करने के लिए अपनी नाभि पर पतला किए हुए तेल को लगाना चाहिए। अदरक, क्लारी सेज, पिपरमेंट जैसे तेल इस कार्य के लिए बहुत उचित होते हैं। इन तीनों के मिश्रण को उचित मात्रा में नाभि में लगाकर हल्के हाथों से मालिश करने पर पीरियड्स के दर्द में आराम भी प्राप्त होता है और इससे निजात पाने में मदद मिलती है। तीन, नाभि को साफ रखता है। नाभि की उचित ढंग से सफाई करने के लिए जुजाबा, अंगूर बीज या कुसुम के जैसे हल्के तेलों को रुई के टुकड़े पर लगाकर नाभि में लगाना चाहिए। ये तेल नाभि से नाभि की गंदगी और मृत त्वचा को ढीला कर देते हैं, जिससे गंदगी को साफ करने में सरलता होती है। शरीर के अन्य अंगों के विपरीत नाभि की नियमित सफाई ना करना अच्छी बात नहीं होती है, इसीलिए इसे नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए। चार, संक्रमण के उपचार में लाभकारी है। नाभि की उचित साफ सफाई ना होने से यहाँ गंदगी और मैल जमा होने पर यह विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और कवक के लिए बहुत ही अनुकूल स्थान हो जाता है। इसके अलावा नाभि में बहुत समय तक बनी रहने वाली नमी के कारण भी संक्रमण हो सकता है, या फिर नाभि वाले स्थान पर कोई चोट लगी हो जो पूरी तरह से ठीक ना हुई हो या सूखी ना हो, तब भी नाभि में संक्रमण हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में नाभि पर तेल लगाने से यह सारे संक्रमण को रोकने व दूर करने में बहुत लाभप्रद होता है। पाँच, प्रजनन क्षमता ठीक करता है। पुरुष या महिला दोनों में से आप कोई भी हो, आपके लिए नाभि पर तेल लगाना आपकी प्रजनन क्षमता पर असरकारी हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की नाभि पहले अपनी माता से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि नाभि का संबंध आपकी प्रजनन क्रियावक क्षमता से होता है। छह, नेवल चक्र के संतुलन में लाभकारी है। आपको अपनी रचनात्मकता से जुड़ने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने नेवल चक्र को संतुलित रख सके, क्योंकि नेवल चक्र आपकी कल्पना और ऊर्जा का एक प्रमुख केंद्र होता है। यह आपके सारे कल्पनाओं, स्वप्नों और लक्ष्यों का महत्वपूर्ण स्थल होता है, इसलिए नेवल चक्र को संतुलित रखने के लिए नाभि पर तेल लगाना अत्यंत उपयोगी व लाभकारी होता है। सात, पेट दर्द कम करने में फायदेमंद है। नाभि में तेल लगाना पेट की समस्याओं जैसे डायरिया, अपच और फूड आहार विषाक्तता जैसी समस्याओं से निपटने में सहायता करता है। शरीर में सूजन, दर्द या मितली जैसी स्थितियों में यह एक प्राकृतिक उपचार के रूप में भी कार्य करता है, इसीलिए नाभि पर तेल लगाने से यह पेट दर्द, मरोड़ व ऐठन को कम करने में बहुत उपयोगी होता है। अगर आप इस वीडियो और हमारे चैनल के अन्य वीडियो में दी गई जानकारी पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट freehindiadvice.com पर जरूर विजिट कीजिए, जिसमें वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट में भी सब जानकारी उपलब्ध है। इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जो 100% फ्री है। थैंक यू।